उज्जैन की नई सड़क स्थित दुकान पर शुक्रवार शाम को दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद करीब एक घंटे हंगामा होता रहा। दोनों ने खारागुआ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। उज्जैन के महानंदा नगर में रहने वाले रिंकी बाला मालवीय ने पिछले महीने 10,000 रुपए की इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। पसंद न आने पर जब वह वापस करने गई तो दुकानदार ने बेचकर पैसे देने की बात कही, जिसके बाद 8 फरवरी को 5,000 दिए और शुक्रवार को भी 5,000 दिए, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल होने से पेमेंट नहीं हो पाया। किसी बात को लेकर पति पत्नी जी मार्ट पर पहुंचे थे। बातचीत के दौरान बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। खारागुआ थाना पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसी का विरोध करने के लिए राजेश अपनी पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पर पहुंचा। राजेश ने बताया कि दुकानदार गुलरेज खान और उसके भाई परवेज ने मारपीट कर चेहरे पर धारदार हथियार मारा। मारपीट में गुलरेज और जावेद को भी चोट लगी है। दोनों पक्ष खारागुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचे है। सर, मेरी वाइफ ने और बच्चे ने मेरी बेटी के लिए कार टाइप की कार खरीदी थी 10,500 में, दिसंबर महीने 22 दिसंबर को। उसमें म्यूजिक सिस्टम में खराबी आई थी घर आने के समय में, तो 23 तारीख को ये लोग जाकर के कार वापस कर दिए। फिर कुछ समय बाद वो बोला, उसमें रिसीविंग पे भी लिखा उसने कि कार बिकने पे या मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा या कार बदल के दे दूंगा। ये 4-5-6 बार गए तो वो बोलता है कि बैठो बैठो करके 2-4 घंटे बिठाता है, उसके बाद बोलते हैं कल आना। तो कल मैं घर पे होने की वजह से क्या हुआ, ये बोले कि चलो एक बार आप जा करके अपन बात करते हैं। तो मैं थोड़ा पीछे, हम दोनों थे साथ में, और इतने में क्या हो गया, जा करके बात करी तो वो गुलरेज और उसका भाई परवेश ये थोड़ी सी बात में गाली गलौज पे आ गए और मेरी वाइफ को गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की के लिए आए। तो मैं बीच बचाव करने लगा, इतने में वो लोगों ने, दोनों भाई ने और उसके 2-3 और उसके रिलेटिव होंगे या कर्मचारी होंगे, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे आँख में और सीने पे अंदरूनी बहुत मारना चालू किया उन लोगों ने। पर ये मामला ये हुआ था, 21 दिसंबर को हमने बच्ची के लिए गाड़ी खरीदी थी जो खराब हुई थी, जी मार्ट फुवारा चौक से खरीदी थी, परवेज खान और गुलरेज खान के यहाँ से हमने वो गाड़ी रिटर्न कर दी थी। उनने कहा था बेच के हम पैसे दे देंगे या दूसरी गाड़ी दे देंगे, तो उनने पैसे नहीं दिए और दूसरी गाड़ी भी नहीं दी, और आए दिन 2-4 दिन में मुझे दुकान पे बुलाते थे, बिठाते थे और भगा देते थे कि पैसे नहीं है, अभी पैसे नहीं है करके। फिर उसके बाद कल मैं अपने पति के साथ गई, मैंने कहा बात करते हैं क्या बोल रहा है, पैसे देगा या नहीं देगा, जैसा भी वो बात कर लेते हैं। तो कल उसने मेरे साथ मारपीट करना चालू करी, मेरे पेट पे लात मारी उसने, मेरा दुपट्टा खींचा उसने और मेरे साथ गंदा व्यवहार किया उसने, अभद्र व्यवहार किया। जब मेरे पति बीच में बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दो लोगों ने पकड़ा मेरे पति को, और गुलरेज ने और परवेज ने उसको इनको पीटा जो बुरी तरीके से घायल हुए, उनकी आंख में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और हम खारागुआ थाना जो क्षेत्र लगता है उसमें गए तो हमारी सुनवाई नहीं की गई, जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगाई है उन्होंने, और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और मेरे बारे में कोई मेंशन नहीं किया कि मुझे मारा पीटा या मेरे साथ गंदा व्यवहार किया। कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम पे लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर जी मार्ट जो दुकान वाले हैं उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है कि उन्होंने उनसे कुछ एक सामान खरीदा था लेकिन वो काफ़ी ख़राब पाया गया, तो उसके बाद उनके बीच में उनको वापस पैसे लेने के लिए विवाद हुआ, और उस चक्कर में एक महिला और एक पुरुष आए जिन्होंने खाना बुआ पे टाइम करा, लेकिन जो मकान को एक मालिक है जी मार्ट का, उसने उनके साथ प्रतियोगिता की, उनके साथ मारपीट करी, तो उसके संदर्भ में उन्होंने प्रकरण दायर कराया कल खाना बुआ। सर, इन्होंने पुराने प्रकरण भी है और कई लोगों के साथ कर चुके हैं ऐसी घटनाएं, क्या कोई कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों की? जी डेफिनेटली, इनके पुराने रिकॉर्ड अभी खंगाले जा रहे हैं और कोर्ट में भी ऐसे आवेदन चेक किए जा रहे हैं थाने के स्तर पे कि इनके खिलाफ ऐसा कोई आवेदन है तो नहीं, और अगर ऐसा कहा जाता है तो डेफिनेटली इसमें जो कोई वैधानिक और कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ने ग्राहक की शिकायत पर जी मार्ट संचालक गुलरेज और प्रवेश के खिलाफ अनुसूचित जाति अधिनियम सहित मारपीट का केस दर्ज किया है। उज्जैन से क्राइम भाषी के लिए अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।